हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आज 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप बी का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज का शुरू हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो आज मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं और उसे विस्तार रूप से समझाने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है और आ भी रहा है। तो साथियों, चलिए मैं आपको ले चलते हैं रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथियों, तो चलते हैं आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिएगा साथियों, क्या है कि आपका ये दिख रहा है, इसमें आपको ये हाथ मिलाने संबंधी, एक दूसरे से हाथ मिलाने संबंधी प्रश्न आते रहते हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और स्टूडेंट लोग अक्सरहा गलती कर जाते हैं कि कैसे बनाए। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखिए, ऑप्शन ए में है 90, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 80, ऑप्शन डी में है 120। तो साथियों, देखिए इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा n व्यक्तियों द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बटा टू, जहाँ n हो गया क्या, व्यक्तियों की संख्या। देखिए, तो कह रहा है कि तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा छात्रों के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 10 छात्र, n बराबर 10 छात्र हो जाएगा। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, देखिए n के जगह पर 10 रख दीजिए और n माइनस वन, 10 माइनस वन कर दीजिए, अब बटा टू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुने 9 बटा 2, 2 से काट दीजिए 5, बराबर क्या हो गया 45 बार, क्या हो गया, यह आपका 45 बार हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए, इसमें करना क्या होता है कि जितने छात्र होते हैं उसको n मान लेते हैं और उसमें से एक घटा के गुना करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, इसी तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए साथियों, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से विषम निकालें, ऑप्शन 1 में हवाई जहाज़ है, ऑप्शन बी में हेलीकॉप्टर है और ऑप्शन सी में बस है, ऑप्शन डी में ट्रेन है। अब साथियों, इसमें से कौन ऐसा वाहन है जो अलग है, हालांकि सबको सब वाहन ही है, मतलब जो यात्री को ढोने का ही कार्य करता है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। अब जैसे आप समझिएगा कि जो हवाई जहाज़ है और हेलीकॉप्टर है, तो दोनों तो आसमान से अगर लेंगे तो दोनों तो आसमान में ही उड़ते हैं, तो कैसे तुलना हो सकता है। बस है और ट्रेन है, दोनों ज़मीन पर चलते हैं। तो देखिए, इसमें हम इस तरह से अलग करेंगे कि देखिए, जो है हवाई जहाज़ होता है वो एक ही होता है, एक ही मतलब कोच का, मतलब एक ही बोगी का होता है, मतलब एक ही बना होता है। हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक ही में बना हुआ रहता है। बस है जो सिर्फ बस एक ही डब्बा एक ही कोच में होता है। लेकिन ट्रेन होता है जो कई छोटे छोटे कई कई बोगी के मिलने से बनता है, जबकि हवाई जहाज़ हुआ जो सिंगल रहता है, हेलीकॉप्टर हुआ सिंगल रहता है, बस भी आपका सिंगल रहता है, लेकिन जो ट्रेन है वो कई डिब्बों के साथ में जो कि जुड़ के इंजन के साथ में जो कि ये
चलता है, इंजन अलग रहता है, उसके पीछे कई सारे बोगियाँ होते हैं। तो यह कह सकते हैं कि अलग इसलिए कि इसके साथ कई सारी कोच मिलके ये ट्रेन चलता है, ट्रेन बनता है। बाकी देखिए सभी में आपका सिंगल सिंगल है, एक ही है। तो इस तरह से आपका बेमेल हो जाएगा ट्रेन। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये नंबरिंग से है। अब देखिए कह रहा है कि यदि पी बराबर 16 और पी ए टी एन पटना बराबर 52 हो तो दिल्ली बराबर क्या होगा। तो साथियों देखिए कि पी का जो वैल्यू होता है, पी का वैल्यू मान होता है 16 होता है, तो उसी तरह से पटना हो गया पी ए टी एन ए। देखिए पी है जी क्या आपका 16 हो गया, ए 1 हो गया, टी 20 हो गया, एन 14 हो गया, ए 15 हो गया, 1 हो गया। तो देखिए इसको जोड़ने पर 1 4 5 5 6 6 6 12 के 2 बाकत में 1 1 3 4 1 5। देखिए सभी का मान पुट किया हुआ है, तो उसी तरह से इसीलिए हम दिल्ली को भी निकाल सकते हैं। दिल्ली के लिए डी का क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा प्लस ई 5 हो जाएगा और L हो जाएगा 12 हो जाएगा, H 8 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। बराबर 9 8 17 17 2 19 19 5 23 23 4 27 हो रहा है, देखिए 5 4 9 तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 2 18 और 20 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये आपका 38 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले जो क्वेश्चन दिया रहे उसमें देख लीजिए कि वैल्यू ही दिया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि वैल्यू से एक ज़्यादा दे देता है करके या एक कम करके दे देता है, तो इसको पहले हमको जो दिया हुआ उसका वैल्यू को याद करना मान समझना पड़ेगा और जो दूसरा में दिया हुआ है वो उस वैल्यू के मान पुट करने से अगर आता है तो जो नीचे क्वेश्चन में पूछे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वही सिर्फ मान पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपका दिशा निर्देशांक से, दिशा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। कहता है कि हरि नाम का एक लड़का है, वह अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 200 मीटर चलता है और उसके पश्चात 80 मीटर उत्तर की ओर चलता है और 40 मीटर पश्चिम की दिशा की ओर और 80 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो वह अब अपने घर से कितनी दूरी पे है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस तरह के दिशा निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप एक डायरेक्शन बना लीजिए, अगर याद नहीं है तब, कि कौन का वैल्यू क्या होता है, कहाँ पे उत्तर होता है, कहाँ पे दक्षिण होता है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया आपका। तो उसी तरह से देखिए कह रहा है कि हरि अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 200 मीटर चलता है, तो मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पे हरि का क्या है, घर है, हरि का घर है यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 200 मीटर चलता है, तो पूर्व इधर होगा, तो पूर्व क्या किया,
कि 200 मीटर है जो कि ये चल लिया। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 200 मीटर पूरब की ओर चला। अब कह रहा उसके बाद मतलब पश्चात मतलब बाद 80 मीटर उत्तर की ओर चला। तो देखिए उत्तर डायग्राम में कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ से क्या करेगा ये 80 मीटर उत्तर चल दिया। फिर कह रहा है कि 40 मीटर पश्चिम दिशा में। अब देखिए पश्चिम इसमें कहाँ बता रहा है, इधर बता रहा है, तो पश्चिम कहाँ जाएंगे 40 किलोमीटर, यहाँ से 40 मीटर वो चल दिया पश्चिम की ओर। और कह रहा है फिर 80 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो दक्षिण हमारा डायग्राम में कहाँ है जी, देखिए नीचे में है। तो ये क्या करेगा 80 मीटर क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे चलावेगा, ये नीचे आ गया 80 मीटर। ध्यान से देखिएगा ये 80 मीटर क्या आ गया, नीचे आ गया, मतलब दक्षिण की ओर आ गया। तो अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपका ये जो फिगर बना ये वाला और एक ये इस तरह से, तो आपको देखने से नहीं पता चल रहा है कि ये आयत बना, क्योंकि ये भुजा सामने वाला भुजा समान है, तो क्या होगा ये भुजा बराबर ये भुजा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लगी। तो देखिए टोटल ये दूरी आपका 200 मीटर है, जिसमें ये 40 मीटर चल चुका है और यहाँ पे आया है। तो दे बताइए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहीं की दूरी ना जी। तो देखिए तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं, इसीलिए घर से दूरी बराबर हो जाएगा। देखिए टोटल 200 मीटर था, जिसमें से 40 मीटर क्या हो गया रिटर्न हो गया, तो बचा कितना 160 आपका क्या हो जाएगा 160 मीटर बचेगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से तो लौट ही आया था ना, ये ऊपर में 40 तो नीचे में भी 40 हो जाएगा और ये 40 ख़त्म हो गया, तो बाकी 200 में से जो कि 40 गया तो 160 मीटर बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है जो कि इसमें देखिए इसमें ऑप्शन छूट गया था, देखिए इसका ऑप्शन है जो कि आपका ये है 120 मीटर, ऑप्शन बी में है 170 मीटर, ऑप्शन सी में है 160 मीटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 160 मीटर, या क्या है अपने घर से दूरी पर है, ये जो हरी है यहाँ पे हरी 160 मीटर दूरी पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और आखिरी सवाल कह रहा है यदि रेट को RATE को SBUF लिखा जाता है तो फायर FIRE को कैसा लिखा जाता है। देखिए ये अल्फाबेटिकली क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप यहाँ पे ये देखिएगा कि जो R है RATE इसको लिख रहा है SBUF। देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, PQR देखिए प्लस एक हो गया, ए हो गया, उसको क्या किया गया है प्लस एक किया गया है, मतलब एक बाद में लिखा हुआ है, टी को प्लस एक किया गया है और ई को प्लस एक किया गया है। तो देखने से पता चल रहा है कि एक बाद वाली संख्या को अल्फाबेट को लिखा गया, तो उसी तरह से इसीलिए हो जाएगा फायर FIRE को इसको हम किस रूप में लिखेंगे। देखिए F है, इसको क्या लिखेंगे F के बाद जी आई के जे, अब देखिए R, R का S और E का F, यही इसको इस रूप में लिखेंगे GJSF। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है GJSF,
कुछ नहीं इसमें करना था, बस सभी का मान एक एक बढ़ा के लिख देना था। जैसे एफ हो गया तो एफ का जी, आई का जे, आर का एस और ई का एफ, तो ऑप्शन नंबर आपका वी हो गया। तो इसको इसी तरह से निकालते हैं। तो साथियों, आज के रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। और साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम फेज 1 फेज 2 देने वाले हैं और जो जिनका शुरू है दे रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें आ रहे हैं और पूछने वाले हैं। तो इस तरह का वीडियो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरी तैयारी करके देख लें और पूरे निश्चिंत होकर जाएं, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे आप मार्क्स कर सकें। और बाकी आप लोग जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इस बार सभी लोग सफल हो जाएं, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सही नंबर लाएँ और सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सभी लोग जॉब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जैसे सब्सक्राइब करें उसके बगल में फ्रेश बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जितने सारे वीडियो मैं डालूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो इससे आपको सुविधा मिल सकता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।